जीतफिक्स। दोस्तों कैसा लगेगा अगर किसी टॉपिक को आप एक बार पढ़ लो और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो से भरा हुआ है जिनमें बहुत तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं और जिनमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये खाओ वो खाओ, इतनी बजे उठो इतनी बजे सो, ये करो वो करो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते, और अगर आपने उन दोनों कारणों को वीडियो में बताए अनुसार समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की टेक्निक में चेंज ला दिया तो निश्चित रूप से आपको चीजें पहले के कंपेयर में बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले ये बताओ कि जब आप कोई अच्छी सी मूवी देखते हो तो वो आपको हमेशा याद रहती है, जब आप किसी खूबसूरत से इंसान को देखते हो तो वो भी विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग में जगह बना लेता है। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी ऐसे बहुत ही बड़े सक्सेसफुल इंसान से हो गई और उसके साथ आपने एक सेल्फी ले ली, तो भाई वो चीज ना आप जिंदगी भर नहीं भूलते। यानी कि देखो आपका दिमाग ना आपके साथ भेदभाव कर रहा है, जो आप उसको याद करवाना चाह रहे हो उसको वो बार बार भूल रहा है और जो उसको पसंद आ रहा है उसको वो कभी नहीं भूलता। आया कुछ समझ में? तो सोचो अगर यही ब्रेन पावर आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में आ जाए तो। अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी केमिकल रिएक्शन या किसी मैथ्स के फॉर्मूले को पढ़ लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो कैसा होगा? मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनसे एक चीज साफ हो रही है, जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारा दिमाग मान के चल रहा है कि ये अच्छा है, कुछ स्पेशल है, इसमें मजा आ रहा है, वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट है इंटरेस्ट। जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में वो बिल्कुल नहीं सोचता, उसको जल्दी से वो परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज निकल के आई इंटरेस्ट। अगर पढ़ाई कर रहे हो और इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वालों ने बोला है, क्लास में डांट मिलेगी, तो भाई 100 बार पढ़ लो फिर भी याद हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। और वही अगर कोई लड़की तुम्हें नंबर दे तो भाई दिमाग की जो सुपर आत्मा है ना वो जाग जाएगी और हर कीमत पे वो तुम्हें नंबर याद हो जाएगा, भले पेन ना हो, पेपर ना हो, मोबाइल नहीं हो, कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने, इस बात को सिर्फ लड़कों पे मत लेना, लड़कियां भी काफी कुछ याद रखती है। किसी शादी में किसी ने उनके हेयर स्टाइल को अप्रिशिएट कर दिया सबके सामने तो उनको वो चीज काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, क्योंकि हर किसी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है। जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने। तो दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट होता है और जो उसको अच्छा लगता है वो चीज बहुत जल्दी याद होती है, और स्टडी मटेरियल याद नहीं होने का यही सबसे बड़ा पहला कारण है। अब पहली प्रॉब्लम समझ आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन कैसे? देखो भाई एक सच बताऊं, जिस दिन आप अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लोगे ना तो उस गोल तक पहुंचाने वाली हर चीज में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता और इरादे मजबूत नहीं होते कि हमें लाइफ में यही करना है और करना है तो करना है। एक बार डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में कि मुझे पढ़ के ये काम करना है या ये ड्रीम पूरा करना है, और बस एक बार सोच लिया तो फिर मत सोचो, फिर जब भी पढ़ने बैठो अपना वो लक्ष्य आपकी धड़कनों में होना चाहिए, और फिर बताना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल टिप हो गया इंटरेस्ट। इसके बाद दूसरी चीज आती है विजुअल्स। देखो मैंने जितने भी एग्जांपल इस वीडियो के शुरुआत में बताए हैं उन सब में क्या कॉमन था, वो मोमेंट्स हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। यानी कि जिन चीजों को हमारी आंखें नजारों के रूप में देखती है उन चीजों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। सोचो आपने कोई भयानक सा हादसा अपनी आंखों से देख लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग उसके सदमे से काफी लंबे वक्त तक वापस नहीं निकलते, उनको सपनों में सिर्फ वो भयानक हादसा ही दिखता है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो जो पढ़ रहे हो उसका अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट करो। जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सोचो कि कोई मूवी चल रही है आपके सामने और उस मूवी में कौन कौन सा करेक्टर है उन सबका नाम जानो, किसने हिस्ट्री में क्या किया उसको एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में उसको इमेजिन करो, और जो नई चीजें पढ़ रहे हो उसको उस चीज से रिलेट करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये नई चीजें जो आपको सीखनी है, अब आप इसको अपने पहले वाले नॉलेज से रिलेट करके एक विजुअल तैयार करो। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी सेम होती है,
तो रख दो इस फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 इजिकल टू 1 बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट टू का स्क्वायर इजिकल टू अगेन 1 आ जाता है। यानी कि ये फॉर्मूला आपके लिए नया था, लेकिन आपने इसको रिलेट कर दिया जो आपको पहले से पता था, और इस तरह से आपके दिमाग को हेल्प हो गई कि इस नए फॉर्मूले को जल्दी से कैसे याद रखें। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको दो सबसे बड़े और सबसे बेसिक रीजन और सॉल्यूशन के बारे में बताया जिनसे आपकी मेमोरी पर जरूर असर पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं उन सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।